तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपके डिजिटल सेवा पोर्टल जब से न्यू मॉडल में आया हुआ है, देख सकते हैं। ऐसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ से, मैं इसे साइनअप में लॉगिन करने के बाद देखिए इस तरह से कुछ इसका डैशबोर्ड आता है शुरू में, और कुछ सर्विसेज यहाँ पे चेंजेस, मतलब कुछ इसका जो आगे का लुक है वो चेंज हुआ है। तो अभी लगभग 2 लाख से ज़्यादा CSE ID एक्टिव है, उसमें से कार्यरत मेरे ख्याल से जो होगा वो 50 या 60% होगा, 40% ऐसा भी ID है जो वियली भाई मतलब शॉप पे यूज नहीं कर पा रहे हैं, ID बन गया है लेकिन अब उन्हें किस कारण से यूज नहीं कर रहे हैं। तो उसमें ट्रांजैक्शन भी आपको करते रहना है। ट्रांजैक्शन करते रहने से क्या होगा कि आपका पोर्टल पूर्ण रूप से एक्टिव रहेगा। यहाँ पे आपके ट्रांजैक्शन करने के लिए देखिए कुछ एक सर्विस बेसिक है जो आपके यूज में आ सकते हैं, वो मैं आपको बता दूँ। CSE ID में वैसे इतना सर्विसेज हैं कि अगर आप काम करना चाहें तो अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, चाहे आप गांव से हो या टाउन से हो, हर एक सर्विस इसमें दिया हुआ है। शहर के लिए शहर की सर्विस है, जो जहां पे जिस जो भी डिमांड है आपको, ये गवर्नमेंट की पोर्टल है। वसुधा केंद्र जो पहले होता था आपका, वो आपका ये CSE पोर्टल यानी हर एक स्टेट का ई मित्र होता था, तो सबको जो है सो एक साथ करके डिजिटल सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया CSE के द्वारा। तो ये जो सर्विस है वो काफ़ी अच्छी है पोर्टल, और इसमें सर्विसेज की कमी नहीं है और कमीशन भी आप अच्छा खासा कमा ही रही हैं, तो टेंशन नहीं है। हर एक तरह की सर्विस है, फाइनेंशियल से लेकर के बैंकिंग तक की सर्विस इसमें अवेलेबल है। आपको नेट सॉल्यूशन चैनल पे इस तरह का अपडेट मिलते रहता है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो आपको ज़रूर अपडेट मिलता होगा। नेट सॉल्यूशन यूट्यूब पे आप जब डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं मेरे चैनल को, यहाँ से नेट सॉल्यूशंस जैसे डालेंगे फर्स्ट लोगो ही आपको यहाँ आ जाता है। इसे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से मेरा जो भी वीडियो है ट्यूटोरियल आपके सामने आ जाता है, इसे आप देख सकते हैं, यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ से वीडियो में आ सकते हैं, और बगल में प्लेलिस्ट चैनल वगैरह सब आ जाता है। प्लेलिस्ट में आकर के आप स्पेशल कोई सर्विसेज पे जानना चाह रहे हैं तो यहाँ पे DigiPay हो गया, अपना CSE से रिलेटेड हो गया, टिप्स एंड ट्रिक हो गया, जो भी देखना चाहें देख सकते हैं। तो चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, चूँकि इस पर इसी तरह का इन्फॉर्मेशन हम अपडेट रेगुलर लाते रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक बेसिस बताता हूँ कि कम से कम अपना जो सेल्फ रिचार्ज होता है, DTH रिचार्ज होता है, मोबाइल रिचार्ज होता है, वो कम से कम इस पर करते रहिए, और जो भी सर्विसेज जहाँ तक यूज कर सकते हैं पोर्टल को पूर्ण रूप से एक्टिव रखिए। और CSE के अंदर इतना सर्विस, अगर कोई भी सर्विस आप बढ़िया से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी नहीं है कि हर एक सर्विस आपको चलाना होता है। जैसे DigiPay ही यूज कर रहे हैं, DigiPay कस के यूज कर रहे हैं और सब किसी का यूज नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एक ID से एक आधार से सब कनेक्ट है, पता चलते रहता है पोर्टल पर कि मेरे CSE के द्वारा कौन सर्विस आपका इस ID से चल रहा है। तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि सारी सर्विस चलेगा पोर्टल में ही वर्क करेगा, जो DigiPay वर्क कर रहा है तो वो उनको पोर्टल पर अगर टाइम नहीं भी दे पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फिर रिचार्ज वगैरह के बारे में जान लेता हूँ। तो यहाँ पे रिचार्ज का ऑप्शन फर्स्ट में ही मिल रहा था, लगता है यहाँ से साइड किया गया है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, सर्विसेज पे आऊँगा और यहाँ पे रिचार्ज का ऑप्शन सर्च करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें रिचार्ज डाल के देखता हूँ कि ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ मैं डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, इंश्योरेंस सिलेक्ट, गवर्नमेंट यूटिलिटी, वाटर, तो रिचार्ज का ऑप्शन कुछ चेंजिंग हुआ है, मैं देख के बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे ऊपर में आपको एक टेलीकॉम का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, टेलीकॉम को जैसे करेंगे तो यहाँ पे प्रीपेड मोबाइल आपको आ जाता है, और जो भी मोबाइल नंबर है आप यहाँ से एयरटेल का टॉपअप कर सकते हैं, टाटा डोकोमो कर सकते हैं, आइडिया, CDMA, रिलायंस, यूनिनॉर टॉपअप कर सकते हैं, वोडाफोन कर सकते हैं, यहाँ पे जियो का सिम नहीं दिया हुआ है। और कुछ एक सर्विसेज इसमें चेंजिंग हुई है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे चलिए मैं आपको यूटिलिटी में आता हूँ। यूटिलिटी में देखिए यहाँ पे DTH, गैस, यूटिलिटी, बिलर्स, इस तरह से ऑप्शन आ रहा है, और इसमें इतना पैन कार्ड का भी आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद बिहार के अगर बिजली भाई हैं तो यहाँ पे देखिए 7 निश्चय का एक सर्विस इसमें आया हुआ है, मैं सर्विस पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 7 निश्चय का भी आप जो है सो फॉर्म यहाँ से डायरेक्ट भर सकते हैं, वैसे डायरेक्ट वेबसाइट से भी हो जाता है लेकिन आपको पोर्टल पर भी दे दिया गया है यहाँ से करने के लिए।
तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को। इसके बारे में पूरा ट्यूटोरियल बताऊंगा, इसमें क्या बेनिफिट है इसे करने का। और यहाँ पे आधार रजिस्टर्ड डिवाइस दिया है, तो ये वर्क कर ही नहीं रहा है। मतलब कोई भी आधार का डिवाइस दिया जाता है तो वो लेता नहीं है, इनवैलिड करके बताता है। चलिए मैं यहाँ पे एक बार रजिस्टर्ड पे चलता हूँ और वाइट लिस्ट में कर दिया हूँ, तो एक बार यहाँ से रजिस्टर्ड दबा करके देख लेता हूँ। आधार रजिस्टर्ड डिवाइस पे क्लिक करना है, आधार रजिस्टर्ड पे करना है, फिंगरप्रिंट करना है, मॉड फोर आने देना है, मॉडल MSO 1300E2, सीरियल नंबर मेरा क्या था, इनवैलिड डिवाइस सीरियल नंबर। तो ये इसकी सर्वर साइट की प्रॉब्लम, अभी तक मैं सिर्फ चेक कर रहा था ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसकी ये प्रॉब्लम है। मैंने चूंकि RD सर्विस के थ्रू इसको कर लिया है, तो देखते हैं अब कब तक मैं स्टार्ट होता है। जैसे स्टार्ट होता है मैं इस वीडियो के द्वारा आपको इन्फॉर्म करूँगा। उसके बाद सर्विसेज में आप पैन कार्ड का भी यहाँ पर देख सकते हैं। पैन कार्ड UTI को मैं क्लिक किया हूँ तो सब कुछ खुल रहा है। बहुत सारे ऐसी सर्विसेज जिसमें ऊपर का इस तरह से दिखाएगा, लेकिन सर्विस आ जाने पे आप उसे डायरेक्ट क्लिक करेंगे, अंदर का डैशबोर्ड बिल्कुल खुल पाएगा। तो जिनके पास यहाँ पे देखिए मार्फो डिवाइस 1300E2 भी दे दिया गया है, डायरेक्ट OTP के द्वारा आधार कार्ड बनाने की सुविधा दे दिया गया है बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा। यहाँ पे देखिए मैंत्रा का MFS 100 और मार्फो डिवाइस का MSO 1300E2, दोनों आप इस पर यूज कर सकते हैं EKYC के पैन कार्ड के लिए। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं पैन अलॉटमेंट 1 को आप क्लिक करेंगे, 49A को, तो ये बायोमेट्रिक डिवाइस से बन पाएगा दोस्तों, अच्छी सर्विसेज से। बायोमेट्रिक डिवाइस के बारे में चलिए मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। ध्यान दें, आपके केंद्र के लिए निम्नलिखित डिवाइसों का उपयोग करके आवेदक के आधार की बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की सुविधा सक्षम की जा रही है। यदि आपके पास इन उपकरणों में से कोई भी है तो कृपया अपने केंद्र में फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सुविधा की अनुमति देने के लिए कृपया उन्हें सक्षम सक्रिय रखें और सीधे अपने केंद्र में रखे फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सुविधा का उपयोग करके सक्षम किया गया है। तंत्र डिवाइस MFSO, मॉफ डिवाइस MSO 1300E2, अन्य उपकरणों को तुरंत इस सूची में जोड़ा जाएगा जब एक बार लाइव उपयोग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया हो। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि इसे जो है सो जोड़ा गया है, तो अच्छी सर्विसेज आ रही हैं। डिजिटल सेवा पोर्टल को यूज करते रहिए, मैं रेगुलर आपको अपडेट हर एक सर्विस के बारे में दे रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहें नेट सॉल्यूशन चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जब आप आएंगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने अभी क्लिक किया था, तो यहाँ पर ये IRCTC के लिए जो रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। मैं दिखा देता हूँ, IRCTC रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबसे नीचे आपको मिल जाएगा और यहाँ पे IRCTC एजेंट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। DRVLE यू हैव ऑलरेडी फिल्ड IRCTC एजेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो मेरा ID आ चुका है इसलिए मुझे बता रहा है ऑलरेडी फिल्ड, ठीक है। तो दोस्तों जिन VLEY ने IRCTC का एजेंट ID लेना चाहते हैं, यहाँ से आप इसे फिल कर सकते हैं। आपको 30 से 35 दिन के अंदर IRCTC का एजेंट ID मिल जाएगा, फिर अच्छी कमीशन के साथ टिकट बुक कर पाएंगे।